जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी वाले अब एग्जाम देने वाले हैं, आप सबके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आप सभी को पता है और आप तैयार हो गए होंगे। लेकिन इस समय आपका सबसे बड़ा एक डाउट है, वो मैंने देखा है यूट्यूब पर, कई वीडियो भी देखे हैं, कई आपके कमेंट्स भी मैंने बहुत देखे हैं। कल मैंने एक फोटो पोस्ट की थी, उसके नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा कि आपको कंफ्यूजन है कि नेगेटिव मार्किंग सर इस बार कितनी होगी, क्योंकि पिछली बार अलग थी, इस बार अलग है। आप में से कईयों ने नोटिफिकेशन पढ़ी है, कईयों ने नहीं पढ़ी है। नेगेटिव मार्किंग आपको जानना इसलिए जरूरी है कि अगर नेगेटिव मार्किंग, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है 1/4, 1/4 का मतलब नेगेटिव मार्किंग कितनी है कि 4 क्वेश्चन अगर तुमने किया तो 1 क्वेश्चन तुम्हारा उड़ जाएगा। लेकिन अगर 1/8 की है तो यानी 8 में से 1 उड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग काफी असर डालती है। समझ गए बात को? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके 25 अंक कट जाएंगे। लेकिन अगर 1/8 की है तो उसके अंक 12.5 ही कटेंगे, 12.5 ही कटेगा, 0.12.5 ही अंक कटेंगे। इसका काफी फर्क पड़ता है। अगर आप पेपर अटेंड करते हो तो जब नेगेटिव मार्किंग कम होती है तो आप क्वेश्चनों पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है तो आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जैसे आर्मी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है, वहां जो बच्चे गलती करते हैं उनके नंबर ज्यादा कटते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग कम है, ध्यान रखना। मैंने इस पे एक आरटीआई लगाई थी बहुत पहले, तो उस आरटीआई का जवाब भी आया है और उसका जो जवाब था वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि नोटिफिकेशन में जो चीज लिखी गई है उसके अनुसार ही नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आरटीआई में लिखा हुआ था वो। और नोटिफिकेशन में क्या चीज लिखी हुई है वो आप अपनी नजरों से देख लीजिए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, यानी एक गलत क्वेश्चन करने पर आपके 0.25 अंक कटेंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, लाट लो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो उसमें से कितना कटेगा 0.25, और 0.25 दो का कितना परसेंटेज होता है अगर हम उसको भिन्न में बदलें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लाड दो 1/8। समझ गए? यानी 8 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन कट जाएगा तुम्हारा, 1 क्वेश्चन गलत जाएगा, ये मान के चल सकते हो। तो इस समय आपको क्या करना है, अब ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये आपका क्लियर हो गया, नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है, यानी 0.25 जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, 0.5 की मार्किंग नहीं होगी। अगर 0.5 होता तो मार्किंग आती 1/4 की, यानी 4 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन उठ जाता, यहाँ 8 से 1 उड़ेगा। ध्यान रखना लाडलो, इस बार ऐसे जीडी में आप थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो क्योंकि 8 से 1 उड़ेगा। अगर 8 क्वेश्चन आप कर रहे हो उनमें से 2 भी सही तो भी आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, तुक्के भी वहीं लगाने हैं जहां आपको ये डाउट क्लियर रहे कि 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन का क्लियर आंसर पता हो कि ये तो नहीं है, इन 2 में से 1 है, तो उस क्वेश्चन को इस बार अटेंड कर लेना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके बहुत मदद करेंगे। मान के चलिए आपने 60 क्वेश्चन कर दिए 80 में से, ठीक है 60 क्वेश्चन आपने 80 में से कर दिए, 20 क्वेश्चन आपके बचे, 20 में से 10 ऐसे क्वेश्चन है जो जीके के हैं या हिंदी के, इस टाइप के क्वेश्चन है और आपको उनमें थोड़ा 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 पता है, इनमें से आपने 10 क्वेश्चन भी अगर कर दिए, ठीक है आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपने इनमें से किए, इसमें से आपके 7 गलत हो गए, कितने गलत हो गए 7 गलत हो गए, तो 2 पॉइंट के हिसाब से कितने अंक आपके कटेंगे, इसके हिसाब से आपके अंक कटेंगे 1.75, ठीक है 1.75 अंक कटेंगे। और 3 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 3 क्वेश्चन के नंबर कितने मिलेंगे, 6 नंबर आपको मिलेंगे, इसमें से ये काट भी दोगे तो भी 4.25 नंबर आप आगे रहोगी। समझ गए बात को? क्लियर हो गया मैटर, समझ में आ जाना चाहिए। आप तैयारी करते हैं तो आपको इतना सा फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इस बार तुक्के वाले भी फायदा उठाएंगे, लेकिन सोचा समझा तुक्का बालाजी भेरू जी वाला तुक्का नहीं लाट लो। समझ गए? क्लियर है नेगेटिव मार्किंग? डाउट मत करना, बढ़िया से पेपर अटेंड करना, और भी कोई शक सवाल है कमेंट में ठोको, मैं ठोकता हूँ रिप्लाई। जय हिंद, जय भारत।